दोस्तों, हाल फिलहाल में बॉलीवुड में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर। नेपोटिज्म से ग्रसित बॉलीवुड में पहली बार इतने जोरदार तरीके से नेपोटिज्म का विरोध हो रहा है। हाल फिलहाल में ऑडियंस भी नेपोटिज्म की मिलावट वाली फिल्में देखना ही नहीं चाह रही। ऑडियंस इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि कई फिल्में फ्लॉप हो गई है, पर इन्हीं सभी के बीच एक फिल्म ने इतिहास बना दिया है। हम बात कर रहे हैं द डिसाइपल मूवी का। वेनिस फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म मेकर चैतन्य तामहणे की फिल्म द डिसाइपल ने जीता है बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड। यह इस फिल्म फेस्टिवल का 77वां एडिशन था। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 1990 में यह अवार्ड किसी भारतीय फिल्म ने जीता था। 1990 में माथिलुकल नाम की फिल्म ने यह अवार्ड जीता था, और आज 30 साल बाद द डिसाइपल फिल्म ने यह अवार्ड फिर से जीता है। मराठी भाषा की यह फिल्म 20 साल में पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसे किसी यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल में मुख्य प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इससे पहले 2001 में मीरा नायर की मानसून वेडिंग को चुना गया था। फिल्म द डिसाइपल सफलता की दहलीज पर पहुंचे शास्त्रीय संगीतज्ञों की दुनिया को दिखाती है। फिल्म में एक भारतीय संगीतकार को दिखाया गया है जो अपनी कला में शुद्धता लाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह अपने पिता और गुरु द्वारा महान कलाकारों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब चैतन्य की कोई फिल्म इस महोत्सव में प्रीमियर के लिए चुनी गई है। इससे पहले उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म कोर्ट ने भी इस फिल्म में भाग लिया था, और ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म द डिसाइपल को पिछले हफ्ते ही बिनाले में प्रीमियर किया गया था, और वहां के समीक्षकों ने इसे काफी सराहा था। शास्त्रीय संगीत की विषय वस्तु पर बनी द डिसाइपल में आदित्य मोदक ने मुख्य किरदार निभाया है, और 4 बार ओस्कर पुरस्कार जीत चुके अल्फांसो कुआरोन इसके कार्यकारी निर्माता है। आपको बता दें कि जो फिल्म पुरस्कार इसे मिला है उसका मकसद फिल्म संस्कृति को प्रोत्साहित और विकसित करने के साथ ही पेशेवर हितों की रक्षा करना है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे, जितनी भी अच्छी मूवी होती है उतने ही कम लोग उसे देखने जाते हैं, और भारत में तो एक अलग ही संस्कृति बनी हुई है। कोई बड़ा स्टार होगा तो वो फिल्म बुरी होने पर भी सुपरहिट हो जाती है। इसी वजह से भारत में कई फिल्में बिना किसी स्टोरी के भी चलती है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी फिल्में देखना शुरू कर दे। आप क्या कहते हैं इस फिल्म के ये अवार्ड जीतने पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन यूं ही मिलता रहे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।